पिकनिक का आगाज़ हुआ जनाब दिल पसंद बेकरी से। यहाँ से हमने जो है वो केक लिया, कुछ रिफ्रेशमेंट ली क्योंकि आज मेरी बेटी की सालगिरह भी है जो हम सेलिब्रेट करेंगे फिएस्टा वाटर पार्क के अंदर। अभी मैं आपको कुछ रस्तों जो है उनका अंदाज़ा बताती हूँ कि किस तरह किन रस्तों से गुजर कर आप लोग आसानी के साथ फिएस्टा वाटर पार्क पहुँच सकते हैं, क्योंकि बीच में पहले कट हुआ करते थे लेकिन जब से ये मोटरवे बनी है तो तमाम कट्स जो हैं वो हटा दिए गए और आपको जो है अब जाने के लिए रास्ता जो है वो थोड़ा सा तब्दील करना पड़ता है। आगे चलेंगे तो जब DHA आता है तो DHA इंटरचेंज जो है वो आता है, वहाँ से आपने जो है लेफ़्ट मुड़ना है और वहीं से जो है हम टर्न लेंगे और वहाँ जा के जो है टर्न लेने के बाद हम थोड़ा सा राउंड घूमते हैं। अच्छा जी, ये आ गया DHA टूल प्लाज़ा। यहाँ पर भी जनाब 30 रुपये की पर्ची कटवाएं और इनको भी टैक्स अदा करें, उसके बाद आप पहुँचेंगे फिएस्टा वाटर पार्क। वहीं से गोल घूमें, वहीं जो एक आपने टूल प्लाज़ा टैक्स दिया उसी से उसके बराबर वाले रोड पर आप आए, यू टर्न लिया आपने और सामने ही जो है आपको हाईवे नज़र आ जाएगा। बस हाईवे वाले रास्ते पर ही आपने चलते चले जाना है और लेफ़्ट हैंड पर आप देखेंगे तो थोड़ा ही चल के जो है आपको सामने फिएस्टा का बोर्ड भी नज़र आ जाएगा और बस हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आए हैं फिएस्टा फैमिली पार्क, वाटर पार्क है ये, और फैमिली पिकनिक पे हम लोग आए हैं। हमारे साथ हमारे सब बच्चे मौजूद हैं। आज मेरी गुड़िया की जो है वो सालगिरह भी है, जो है उसको भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। फैमिली पिकनिक है, शुरू में हमने आपको दिखाया रास्ते जो है दिखाते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह आपने जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाना है उसके लिए तमाम चीज़ें हमने दिखाई, बीच में क्या क्या हम लोगों ने खर्चे किए, 2-3 जगह रोक के जो है हम लोगों ने टूल टैक्स भी दिए और यहाँ आने की जो एंट्री की टिकट थी वो भी हमने आपको दिखा दी। अच्छा जी, पार्किंग के अंदर ही आपको इस तरह के ये ट्रॉली वाले हजरात मिल जाएंगे जो आपको जो है थोड़ी सी उजरत पर आप इनसे ये थोड़ी देर के लिए हायर कर सकते हैं। ये जहां हम बैठेंगे वहां तक हमें हमारे बामा सामान हमें पहुंचाएंगे और यहां पर इन्होंने जो है हमसे 100 रुपये चार्ज किए, खर्चा पानी इन्होंने कहा आपकी खुशी है तो दे दें वरना ना दें। बहरहाल आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये जो है ये टिकट घर है और ये तमाम बूथ्स आपको खाली इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम लोग खासे लेट यहाँ पहुँचे हैं। 10:30 बजे जो है ये पार्क ओपन हो जाता है और इस वक्त तकरीबन 1:15 का वक्त है। ये आधे हम लोग 6 टिकट्स हमने ले ली है, 1500 रुपये पर टिकट जो है वो हमने पे किए, 9000 रुपये यहाँ को हमने दिए और अब यहाँ से जो है हम लोग एंटर होंगे। सामान हमारे साथ है। बच्चा कहाँ गया भाई? अच्छा तेरी घुमरा हुआ कहाँ जाएगा? वो बैठा वो हमें ही देख रहा है भाई। अभी हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और फैमिली हमारे साथ है पूरी, चले चलते हैं अंदर। हम अंदर आ गए, देख सकते हैं माशाल्लाह पूरा जो ये पार्क है या जो वाटर पार्क है, देख लीजिए बाहर की तरफ का ये सारा एरिया है। अंदर है वाटर पार्क, ये बाहर झूले वगैरह भी हैं बच्चों के लिए और मुख्तलिफ चीज़ें जो लगाई हुई हैं, आप यहाँ बैठ के भी खाना वाना इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, वैसे यहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सारे जहाँ आप आए हैं आए वाटर पार्क के पीछे, तो वाटर पार्क के पास ही आप जो है अपना सारा सेटअप वगैरह रखेंगे क्योंकि एक बंदा चाहिए चौकीदारी के लिए जो मैं करने वाली हूँ, बच्चे सब इंजॉय करेंगे। चले आए आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक गेट से दूसरे गेट तक तकरीबन 1 किलोमीटर चलना पड़ता है लेकिन ये चारों तरफ घने दरख्तों की वजह से, इसकी ठंडी छाँव की वजह से आपको ये जो है ज़रा मुश्किल नहीं लगता, आसानी के साथ आप इस सफ़र को जो है पैदल ही जो है आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं तो यहाँ पे व्हीलचेयर भी अवेलेबल होती हैं जो आप अपने बुज़ुर्गों के लिए उसको अवेल कर सकते हैं। हम लोग तो बच्चे और हम लोग थे तो हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग बआसानी यहाँ पहुँच गए। अच्छा जी, ये आ गया इनका दूसरा गेट जहाँ से मेन एंट्रेंस है ये यहाँ की, और यहीं पर कैफेटेरिया भी है, यहीं पर जो है बाथरूम भी है, चेंजिंग रूम भी है, सब कुछ यहीं पर मौजूद है जहां आप लोग जो है अपने पूरे दिन की जो है मसरूफियत को जो है एंजॉय कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं और यहां पर सामने ही जो है आपको पहले जब हम आए थे यहां पर तकरीबन जो है 8 या 10 जो पूल थे उसके साथ इतनी 8 या 10 स्लाइड्स थी, लेकिन इस वक्त जो है हमने सुना है कि 15 स्लाइड्स और 15 पूल जो है इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में बनाया है जिसमें बच्चों के लिए भी हैं, ख़वातीन के लिए भी हैं और इसके अलावा बड़ों के मर्दान। वैसे मैंने देखा है यहाँ पर टीनेजर बच्चे और बच्चियाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे, छोटे बच्चों की माएँ जो थी वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इंजॉय कर रही थी। ये आ गया जनाब हमारा
सेटअप जहाँ हमने जगह मिली है, क्योंकि कोई हमें बाकायदा छत टाइप कोई चीज़ नहीं मिली है, दरख्त के सहारे हम नीचे बैठे हुए। लेकिन ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा कि दरख्त की छाँव ठंडी होती है, तो यहाँ बिल्कुल हमें गर्मी का एहसास नहीं हुआ। और सामान सेटअप जो है हम लगा रहे हैं, अपनी सारी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, और बहुत लोग थे। अच्छा, ये टाइम जो था ये लंच ब्रेक का था, 1 से 2 का। अच्छा जी, दिल पसंद का ये केक है। और कौन सा फ्लेवर है? गिरा दिया, चॉकलेट। चॉकलेट है, चॉकलेट चिप के साथ। कैसा भाई? जबरदस्त है। रिवर ये केक कटा है चम्मच से, और स्पेशल चीज़ से कटा तो स्पेशल ही होगा। कैसा है जी खाने में? अच्छा, सीधा खा के बताओ केक कैसा है। कटा हुआ तो कटा हुआ, खा के बताओ कैसा है। कैसा है? क्रीमी क्रीमी है, क्रीमी क्रीमी है। चम्मच से कट गया ना, ऐसे क्रीमी क्रीमी हो गया ये, वरना चॉकलेट था ये। ऐसे ही है ना? चलिए मेरे इंजॉय करते हैं जी। ठीक, अच्छा है, गुड। रिवर ये टैंकी के देख रहे हैं आप, यहाँ पर उन्होंने मस्त जो है टावर लगाया हुआ। पानी से गुजर के जो है यहाँ जाना पड़ेगा, और हम पानी से गुजर के, हमारा मोबाइल थोड़ा सा गीला हो गया, और अभी हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, फिएस्टा वाटर पार्क के अंदर एक ज़बरदस्त जो है ये वेव पूल है, और यहाँ बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। ये जो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये मर्दाना जो है स्लॉट की थी। लेडी स्लॉट अलग लगती है, मर्दाना स्लॉट अलग लगती है। आधे आधे घंटे का जो है टाइमिंग जो दी जाती है, जेंट्स के वक्त सिर्फ जेंट्स मौजूद होंगे, लेडीज़ के वक्त सिर्फ लेडीज़ मौजूद होती हैं। अब ज़ाहिर लेडीज़ की फुटेज तो हम नहीं ले सके, लेकिन जेंट्स वाले ये हम फुटेज आपके लिए लेके आए हैं, और बड़ी मज़े की है। इसको ज़रूर आप लोग जाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा। यहाँ बच्चों ने बहुत, लड़कियों ने, मेरी बेटियों ने बहुत इंजॉय किया। वहाँ बाकायदा जो है म्यूज़िक चल रहा था, और वहाँ पर मैंने देखा एक खातून थी जो मेरे ख्याल है 60+ लेडी थी वो, लेकिन वो बच्चों को खुद भी इंजॉय कर रही थी, बच्चों को भी बड़ा इंजॉय करवा रही थी। अच्छा जी, ये उस वक्त की फुटेज है जब सब बच्चे और सब मेरे हस्बैंड जाके एंजॉय कर रहे थे, तो मैं यहाँ बैठी सामान की चौकीदारी कर रही थी। अच्छा, जब आप पूरी फैमिली पार्क के अंदर या वाटर पार्क के अंदर एंजॉय कर रही होती है, तो हर एक हट के अंदर या हर एक सामान के पास किसी ना किसी खातून या मर्द को मैंने देखा। मोस्टली बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो सामान की चौकीदारी पर लगे हुए थे, और सब लोग इंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो बुज़ुर्ग जो हमें सिर्फ देख के ही इंजॉय करते हैं, ऐसे बुज़ुर्गों को बहुत बहुत सलाम। अच्छा जी, लास्ट में हमारा जो है वो फ़ोन बिल्कुल बैटरी इसकी ख़त्म हो गई थी, हालांकि हम पावर बैंक भी लेके गए थे, वो भी काम नहीं आया। एंजॉय करते करते हम लोग बहुत थक भी बहुत गए थे। और यहाँ की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, सुबह 10:30 जो है वो पार्क की टाइमिंग है। सुबह 10:30 से ले कर शाम 5:30 तक जो है आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं, और 5:30 के बाद पूल की सारे जो शावर हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और तमाम स्लाइड्स भी बंद कर दी जाती हैं, और कैफेटेरिया वो भी
5 बजे बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद ये लोग बार बार ऐलान करते हैं बाकायदा कि आप लोग जो है बस अब अपने रवानगी का सफ़र बांध लीजिए और अपने अपने घर चले जाइए। बस हम लोग भी 5:30 बजे के बाद अपना सामान बांधा और वापस घर की तरफ रवा दवा हो गए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।